सीरियल ये है मोहब्बतें। जी हाँ, ये शो पिछले 6 सालों से हमें और आपको एंटरटेन कर रहा है। रमन और अर्षिता हर घर की पहचान बन चुके हैं। इस कपल को हर कोई प्यार करता है। ऐसे में जब से दर्शकों को इस बात का पता चला है कि 20 तारीख को यानी 20 दिसंबर को इस शो का लास्ट एपिसोड ऑन एयर होगा, इस बात से दर्शक बेहद दुखी है। वो अपने रमन और अर्षिता को टाटा बाय बाय नहीं कहना चाहते, यानी दिव्यांका त्रिपाठी और करण को भी पता है। और वही हाल ही में एकता कपूर ने अपने शो की रैप अप पार्टी की, सभी को थैंक यू कहा और अपने फैन से भी एक खास बात कही। जी हाँ, एकता ने अपने इंस्टाग्राम पे अपने इन दोनों एक्टर्स के साथ कुछ क्लू छोड़ा है। जल्द ही ये दोनों नजर आएंगे एकता कपूर के आर्ट बालाजी के वेब सीरीज में। जी हाँ, एकता ने यहाँ दोनों एक्टर्स के साथ कहा कि आई नो फैंस बहुत दुखी हैं, आप अपने और रमन और अर्षिता को एक साथ देखना चाहते हैं, वो टाटा बाय बाय नहीं कहना चाहते। ऐसे में जल्द ही आपको नजर आएंगे ये दोनों साथ किसी अल्टरनेटिव। जी हाँ, उनके कहने का मतलब था अल्टरनेटिव यानी आर्ट बालाजी के वेब सीरीज में। एकता ने जिस तरफ इशारा किया है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रमन और अर्षिता यानी करण और दिव्यांका जल्द ही आपको नजर आएंगे अपने नए वेब सीरीज में। वैसे सीरियल ये है मोहब्बतें इतने सालों से, 6 सालों से हर घर की जान बन चुका था। रमन और अर्षिता की नोकझोंक, उनकी दूरियाँ, उनका प्यार, कुहू, सब कुछ हर कोई बहुत मिस करेगा। ऐसे में रमन अर्षिता को एक बार फिर से देखना हर कोई चाहता है। एकता ने भी इस बात को रिवील किया था कि ये शो शुरू में ऐसा लगा था नहीं चलेगा, ना ही इसकी TRP थी, उसका टाइम स्लॉट भी बहुत अलग था, लेकिन इस शो ने इन 6 सालों में जो जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। ऐसे में जो फैंस इस जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं वो इस न्यूज़ को सुनकर खुश हो जाइए कि आपके रमन और अर्षिता जल्द ही एक साथ फिर से नजर आएंगे एक वेब सीरीज में। और जल्द ये है मोहब्बतें का स्पिन ऑफ शो ये है चाहते हैं आप सभी के सामने आने वाला है। सो इस शो से जुड़ी, इस न्यूज़ से जुड़ी, रमन और अर्षिता से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।